दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या हुआ अगर सारी बर्फ पिघल जाए? दोस्तों आज का समय ऐसा हो गया है कि हमने जाने अनजाने में प्रकृति में इतना ज्यादा गंद मचा दिया है कि हम चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर सकते। ऐसे में हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि हमारे वातावरण में बदलाव होता जा रहा है और उसी बदलाव का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। एक अलग ही लेवल पर पहुंच रही है, पृथ्वी का पारा चढ़ने लगा है जो हम इंसानों के लिए किसी नर्क से कम नहीं है। ऐसे में क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि अगर किसी वजह से पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी बर्फ है यानी कि ग्लेशियर है वो अगर पिघल जाए तो क्या होगा? हमें पता है ये चीज आपको लगभग असंभव लग रही होगी, लेकिन दोस्तों होने को तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर वाकई में ऐसा कुछ हो गया तो हमें किस तरह के हालात देखने पड़ेंगे। दोस्तों वीडियो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हमारी पूरी पृथ्वी का 92.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ है। ऐसे में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रातों रात पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी? दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले हमारे समुद्र में जो पानी का स्तर है वो 250 फीट ऊपर उठ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर तबाही लाने के लिए इतना पानी काफी है, क्योंकि अगर समुद्र का स्तर इस लेवल तक पहुंच जाएगा तो हमारे भारत के बड़े बड़े ब्रिज जैसे हावड़ा ब्रिज, विद्यासागर सेतु के साथ साथ और भी कई सारे जो ऊंचे ऊंचे ब्रिज बने हैं वो पूरी तरह से पानी में समा जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे बसने वाले कई सारे शहर और राज्य जैसे मुंबई, गोवा, केरला, वेस्ट बंगाल पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। ये तो हम फिर भी भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इसका असर और भी ज्यादा भयानक देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इस लेवल की तबाही आई तो मायामी शहर बचेगा नहीं, लंदन शहर बचेगा नहीं, खूबसूरती बचेगी नहीं। दोस्तों यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाके, क्योंकि इन्हीं इलाकों में अधिकतर लोग रहते हैं, वो भी इस भारी तबाही के बुरे परिणाम झेलेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम आबादी किनारे वाले एरिया में यानी कि कोर्ट में रहती है, और जब पानी का स्तर इस लेवल पर पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है कम से कम 80% आबादी तो पूरी तरह पानी में डूब जाएगी, यानी ऑस्ट्रेलिया तो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। पर यह हाल केवल ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं होगा, क्योंकि इस अचानक आई तबाही की वजह से वेनिस और नीदरलैंड दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वी पर मौजूद सभी ग्लेशियर पिघल जाए तो इससे केवल समुद्री इलाकों को परेशानी होगी, अफ्रीका जहां पर पानी की समस्या है उन इलाकों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दुनिया में मौजूद सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो एक अलग ही लेवल का तापमान पृथ्वी पर होगा, यानी कि पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी के वो इलाके जो गर्मी के मौसम में भी ठंडे रहते हैं वहां पर भी गर्मी पहुंच रही है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ऐसे बहुत से इलाके हैं यहाँ का टेम्परेचर हमेशा -डिग्री सेल्सियस में रहता है और वहीं पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ऐसे में इस तरह के इलाकों में अगर इतनी गर्मी पड़ने लगेगी तो वहां की बर्फ पिघल रही है तो भला अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में तो गर्मी से बुरा हाल हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों बहुत ही भयानक गर्मी की वजह से अफ्रीका के कई सारे हिस्से बेजान और बंजर हो जाएंगे, जहां पर जीवन ही पनप नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से इंसान तो क्या, भीषण गर्मी में रहने वाले जानवर भी अपने आप को जीवित रखने में असमर्थ होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी भयानक गर्मी पड़ी तो अफ्रीका के लोग गर्मी से पागल होने लगेंगे। और अगर हम पूरी दुनिया में हो रही तबाही की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है समुद्र का स्तर बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया को भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, तो कई सारे लोगों का इस पर सवाल होगा कि क्या ये बाढ़ इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि पूरी इंसानी सभ्यता को खत्म कर दे? अब इसके जवाब में तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूरी इंसानी सभ्यता तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ खुशकिस्मत लोग रहेंगे जो इस भयानक तबाही से अपनी जान बचाने में कामयाब होंगे, लेकिन इस तरह के हालातों के बाद उनका जीवन आसान नहीं होने वाला। क्योंकि सबसे पहले तो बर्फ के पिघलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिस कारण बचे हुए इंसानों और बाकी के जीव जंतुओं को सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग इतने भयानक कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा में सांस लेने में सक्षम होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के वातावरण में खुद को ढाल नहीं पाएंगे। दोस्तों ओशियन करंट अपने रास्ते बदल लेंगे, जिसका असर समुद्री जीवों पर देखने को मिलेगा,
और वो जीव भी अचानक आए बदलाव में खुद को ढाल नहीं पाएंगे और कई सारे जीव मर जाएंगे। अब बचे हुए जितने भी जीव होंगे उन्हें अपना ठिकाना ढूंढना होगा और एक बेहतर वातावरण की तलाश करनी पड़ेगी, और इन सभी चीजों का असर सीधा सीधा हमारे फूड सप्लाई में होगा, क्योंकि हर जगह पानी फैल जाने के कारण ना ही हम खुद का खाना उगा पाएंगे ना ही बाकी के जीव जंतुओं को भोजन बना पाएंगे। अब हमारी जिंदगी में इस तरह के बदलाव आएंगे तो जाहिर सी बात है प्रकृति भी कैसे पीछे रह सकती है। इसी वजह से तो रेगिस्तानी इलाके में बारिश होनी शुरू हो जाएगी, और जिन इलाकों में भारी बारिश होती है वहां पर सूखा पड़ने लगेगा। ये सारे बदलाव हमें लगातार देखने को मिलेंगे, पर सबसे मुश्किल ये होने वाली है कि जब बर्फ नहीं रहेगी तो सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आसमान में ज्यादा से ज्यादा बादल बनेंगे, और अब ज्यादा बादल बनेंगे तो पहाड़ी इलाकों में बारिश भी काफी होगी और वहीं बारिश बाढ़ का रूप ले लेगी। अब भूकंप के बारे में हम सभी को पता है कि ये किस तरह आता है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन चल रही होगी तो एक छोटा सा भूकंप सुनामी की वजह बन जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ज्यादा गर्मी बढ़ी तो पृथ्वी पर मौजूद सारी बर्फ पिघल गई तो हम इंसानों का रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए वातावरण पर नियंत्रण लाने के लिए हमें अपने आप पर नियंत्रण लाना पड़ेगा और कम प्रदूषण फैलाना होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।